फ्रेंड्स, अगर आप भी नई और इंटरेस्टिंग गेम के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किस तरह से ये गेम लोगों को मारता है, मौत का खेल कैसे चलता है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। हे गाइस, दिस इज प्राची और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी मूवी की जिसमें एक गेम है और इसके रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मारो या मरो, और अगर नहीं मार पाए तो गेम उसे बहुत ही बुरी मौत देगी। वो कैसे, ये आप वीडियो में आगे देख कर पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक देख रहिएगा। मूवी का नाम है गेम ऑफ डेथ और ये रिलीज हुई थी 2017 में। चलिए मौत का खेल शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग होती है सात दोस्तों से जो शहर से कुछ दूर एक घर में पार्टी करने के लिए आए हुए थे और इनके नाम है मैट, बेथ, टॉम, कैनी, टेलर, एशली और मैरी, जिनके हाथ एक गेम लगती है और इस गेम का नाम है गेम ऑफ डेथ। मैट गेम के रूल पढ़ता है जो कार्ड पर लिखे हुए थे। इसमें लिखा था गेम में कुछ कुछ समय पर अपने आप को या दूसरों को मारना होगा और जो अंत में बचेगा वो विनर होगा। जिसके बाद सब लोग गेम स्टार्ट करते हैं। वो सब अपनी एक एक फिंगर गेम बॉक्स पे रखते हैं और स्टार्ट बटन दबाते हैं, जिसके बाद वो गेम सभी की फिंगर से ब्लड लेती है। गाइस, फिर गेम स्टार्ट होती है और इसके काउंटर पे 24 नंबर लिखा हुआ था, बट टेलर इस गेम को गंदा मजाक बोलकर अपना हाथ धोने के लिए चला जाता है क्योंकि उसकी उंगली पे खून लगा हुआ था। जिसके बाद बेथ गेम के रूल्स को आगे पढ़ती है और रूल्स में लिखा था कि अगर समय रहते किसी ने दूसरे को नहीं मारा तो गेम अपने आप किसी प्लेयर को मार देगी और गेम तब खत्म होगी जब काउंटर पे 0 लिखा होगा या फिर जो गेम खेल रहे हैं वो प्लेयर सारे मारे जाएंगे और तभी गेम का अंत भी हो जाएगा। और अगर आप एक बार इस गेम को स्टार्ट करते हो तो खत्म किए बिना आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, इस गेम का सबसे बड़ा नियम है मारो या फिर मर जाओ। सारे दोस्त इसको मजाक समझ रहे थे। टेलर बाहर जाता है और बाकी दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। सब लोग इंजॉय कर रहे थे। फिर कैनी मैट को बियर पिलाने की कोशिश करता है, जिसके कुछ देर बाद अचानक से मैट के सर में बहुत तेजी से दर्द होने लग जाता है एंड गाइस, देखते ही देखते उसका सर बुरी तरह से फट जाता है। जहां कैनी, टेलर, एशली और मैरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो खून से सन चुके थे, वो जोर से चिल्लाने लगते हैं और वही अंदर टॉम और उसकी बहन बेथ गेम के पास ही बैठे हुए थे। गाइस, मैट की मौत के बाद गेम पर लिखा हुआ था 1 down। बाहर टेलर जल्दी से सबको घर के अंदर चलने के लिए कहता है। घर के अंदर जाके वो जमीन पे लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें बाहर से शूट कर रहा है। जिसके बाद टॉम और बेथ विंडो से बाहर झांकते हैं बट उन्हें वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता। बट टेलर को लग रहा था कि बाहर कोई स्नाइपर है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वहां अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है जहां टॉम गन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही गेट खोलता है वहां एक ओल्ड मैन था। टॉम उसे खींचकर अंदर ले आता है और उस पर गन पॉइंट करके उसका नाम पूछता है क्योंकि गाइस, उनको लग रहा था कि इसी ओल्ड मैन ने उनके दोस्त मैट को मारा है और अब वो उनको भी मारने के लिए वहां पे आया है। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारी चीखें सुनकर यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए आया हूँ। बट वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे कि तभी अचानक से कैनी के सर में भी दर्द होने लग जाता है और गाइस, उसका सर भी मैट की तरह फट जाता है और सब लोग कैनी के खून से लथपथ हो जाते हैं। मैरी फटाफट से पुलिस को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है। टॉम गेम के पास जाता है और सबको बताता है कि गेम असली है। वो कहता है, जब गेम स्टार्ट हुई थी तो काउंटर पे 24 लिखा हुआ था बट मैट और कैनी के मरने के बाद अब काउंटर पे 22 लिखा हुआ है। जहां बेथ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर टेलर उस गेम को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है बट वो गेम नहीं टूटती है। फिर टॉम कहता है कि वो ओल्ड मैन को मारने वाला है क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा और वो मरना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन को शूट कर देता है। गेम पर फिर से 1 down लिख कर आ जाता है। फिर टॉम वहां से सबको चलने के लिए कहता है और बेथ जाते टाइम गेम उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो सब टेलर की गाड़ी में बैठकर घर से भागने लगते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिन्हें मैरी ने कॉल करके हेल्प के लिए बुलाया था। मैरी उन्हें वापस घर चलने के लिए बोलती है जहाँ शायद पुलिस उनकी मदद कर सकती थी, बट कोई उसकी बात नहीं मानता और टॉम कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हर हाल में 21 लोगों को मारना होगा। गाइस, मौत का खेल शुरू हो चुका था और अब पुलिस भी उन्हें नहीं बचा सकती थी। फिर मैरी बहुत
काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं किसी का खून नहीं कर सकती कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है पर टेलर एंड वक्त पे गाड़ी को रोक देता है ब्रेक दबाकर कि तभी टॉम टेलर को गन पॉइंट करके कहता है कि उस लड़के को मार दो ताकि एक और बंदा कम हो जाए। टेलर उसकी बात मानकर लड़के पे गाड़ी चला देता है बट गेम से कोई आवाज नहीं आती। फिर टॉम गाड़ी बैक करने के लिए कहता है तो वहाँ जाकर देखते हैं वो लोग कि लड़का अभी भी जिंदा था। टॉम उसे मार देता है कि तभी एक लड़की सड़क पर उनकी तरफ जॉगिंग करते हुए आ रही थी। टॉम उसको भी शूट करता है। वो लड़की बचकर भागने लगती है जहाँ भागते भागते वो गिर जाती है। टॉम अपनी बहन बेथ को उसे मारने के लिए बोलता है बट बेथ कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। फिर टॉम उसके हाथ से गन लेकर लड़की को बेरहमी से मार देता है। टेलर और एशली टॉम को ये सब करने से रोकते हैं। वो सब गाड़ी के बाहर सड़क पर खड़े हुए थे और मैरी गाड़ी के अंदर गेम लेकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ से एक रेंजर गुजर रही थी। वो अपनी गाड़ी को रोकती है, उतर कर उनसे पूछती है कि क्या वो सब ठीक है। जहाँ एशली कहती है कि उनकी गाड़ी की टक्कर एक हिरण से हो गई थी, वो सब तो ठीक है और उन्होंने हिरण को झाड़ी के पीछे छुपा दिया है। जहाँ वो रेंजर झाड़ियों के पीछे जाने लगती है बट गाइस तभी गाड़ी के अंदर बैठी मैरी का सर पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाता है। रेंजर गन ऊपर करती है और वो अलर्ट हो जाती है। टॉम उस पर अपनी गन से फायर करने वाला था लेकिन एशली उसे रोक देती है, जिसके बाद टॉम एशली को गन पॉइंट पर रख कर रेंजर को रोकता है और अपनी बहन बेथ के साथ में टेलर की गाड़ी को लेकर भाग जाता है। टेलर और एशली रेंजर के पास में ही खड़े हुए थे, जिसके बाद वो रेंजर वायरलेस से हेल्प मांगती है कि तभी अचानक से टेलर का सर भी दर्द से फटने लग जाता है। रेंजर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है बट गाइस एशली जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए टेलर को बचाने के लिए वो रेंजर को मार देती है, जिसके बाद एशली रेंजर की गाड़ी लेकर टेलर के साथ वहां से निकल जाती है। टेलर की गाड़ी पिज्जा डिलीवरी वाली थी जिसमें टॉम और बेथ भाग गए थे, और जिसके बाद टेलर अपने दोस्त को कॉल करके अपनी गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक करवाता है। गाइस एशली इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो निर्दोष लोगों को मारने की बजाय अपनी जान देना चाहती थी। टेलर भी ऐसा करके गेम का एंड करना चाहता था बट वो दोनों लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे कि टॉम और बेथ कभी भी दूसरों के लिए अपनी जान नहीं देंगे, इसलिए वो उनके पीछे जाते हैं। जहाँ टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में घुस गए थे, दोनों मिलकर हॉस्पिटल में लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। काउंटर को जीरो पर वो लाना चाहते थे, जहाँ टेलर और एशली भी उन्हें ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची जो कि वहाँ की पेशेंट थी, वो कॉरिडोर में जा रही थी कि तभी बेथ उसके सामने आती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी एशली और टेलर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो बेथ को कहती है कि तुम बच्ची को छोड़ दो और मुझे मार दो। जैसे ही बेथ एशली की तरफ देखती है, एशली उसे शूट कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उस बच्ची को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है। टॉम अपनी बहन को मरा देखकर बहुत जोर से रोने लग जाता है, जिसके बाद एशली और टेलर वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसके पास, और एशली कहती है हम निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते। जहाँ टॉम उसे कहता है हम भी तो निर्दोष थे, हमारी क्या गलती थी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मौत का खेल क्यों चल रहा है ये हमारे साथ। टॉम अपनी गन जमीन से उठाने लग जाता है कि तभी टेलर उसे रोकता है और वो लोग उसे भी मार देते हैं। दोस्तों आगे क्या होने वाला है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गेम के काउंटर पे बस एक बचा था। एशली और टेलर एक दूसरे के सामने खड़े थे। अचानक से एशली टेलर को शूट कर देती है, वो उसे 3 गोलियां मारती है और टेलर वहीं पे मर जाता है। एंड गेम में लिखा हुआ आता है यू विन कि तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और एशली को पकड़ कर ले जाती है। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज में एक आदमी पुलिस वाले को गेम गिफ्ट करता है। एंड गाइस यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी में नहीं बताया गया है कि ये खतरनाक गेम कहां से आया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और उस घर में ये गेम आखिर कैसे पहुंचा था। मानने को तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि शायद इस गेम का अपना ही दिमाग हो जिसे वो लोगों को इस तरह से फंसाता हो। पहले उसने इन सबको शिकार बनाया और अब वो पुलिस ऑफिसर के जरिए और अपना शिकार ढूंढेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।